फिल्म दंगल ने जितनी कामयाबी पाई है उससे ये तो साफ है कि फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही नहीं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की एक्टिंग को काफी सराहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म दंगल 23 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जो कि पहलवान महावीर सिंह फोगाट की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म को नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और एक्ट्रेस साक्षी तंवर के साथ साथ फातिमा सना शेख, जायरा वसीम, सान्या मल्होत्रा ने भी इस फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसके बाद फिल्म के टिकट सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म रिलीज के 10 दिन बाद फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। सिर्फ भारत में ही फिल्म ने 284 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म जल्द ही आमिर की पिछली फिल्मों थ्री इडियट्स और पीके का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।